सब लोगों को हमारा प्रणाम। आज हम लोग बहुत जरूरी बात करने बैठे हैं। बात ये है कि सन अंकल जो इस ब्रह्मांड का जीता जागता भगवान है, उनसे हम दोनों का शिकायतें हैं। यह जो कोरोना का महामारी आया है, सनंकल आप उसे क्यों नहीं भगाते हो? हम बच्चे लोग इतना परेशान हो रहे हैं, आपको समझ नहीं आता? पापा बैठकर घर के बैठकर काम कर रहे हैं, क्या करूं? मम्मा सबको खाना बनाकर देकर परेशान हो रहे हैं। मजदूर लोग घर पे हैं, हमारे सरकार जी उनके लिए राशन पानी भेज रहे हैं और दुकानदार लेस टाइमिंग से हिसाब से दुकान भी खोल रहे हैं सबके लिए कुछ ना कुछ व्यवस्था हो रही है। जैसे तैसे सबकी लाइफ चल रही है, पर हम लोगों का क्या? हम लोगों तो बच्चे हैं ना, बस हम लोगों को जबरदस्ती घर पे बैठा कर रखे हो। हमारे गलती क्या है? यही कि हम छोटा बच्चा है, पेड़ चल से बाहर नहीं छटते, हम हमेशा घर के अंदर कितना बैठे घर में, बाहर क्या चीज हम तो भूल ही चुके हैं। देखे हम लगा के बारे में सरकार जी नहीं सोचते क्या? हम इंसान नहीं हैं? हमारे अंदर दिल नहीं है? हमारा कोई नहीं सुनता? ये तो मामा बोलती थी, टीवी मत देखो, लैपटॉप मोबाइल मत देखो, आंख खराब हो जाएगा। पर अब क्या हुआ? अभी तो घंटों बैठ के बोल रही है ऑनलाइन क्लास करो, और जो बाहर खेलने के लिए बोले तो मामा बोलती है मोटू पतलू देखो। क्यों, अभी आँख खराब नहीं होता है क्या? सरकार जी आपने हमारे लिए क्या सोचा? क्या हम इंसान नहीं है? इसलिए सन अंकल प्लीज हमारे लिए कुछ कीजिए ना। आप तो पूरे ब्रह्मांड की जीता जगता भगवान हो, आप इस कोरोना महामारी को भगा दीजिए ना, ताकि हम लोग भी शांति से खेले। हमारे बचपन क्यों ले रहे हो? हमारे साथ इतनी अन्याय मत कीजिए प्लीज। हमें भी बाहर खेलना है, प्रकृति को एंजॉय करना है। ऐसा करते हैं सन अंकल, आप हमारी प्रार्थना समझेंगे?